हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एक्टर एंड एक्ट्रेस के बारे में जो बिहार से बिलोंग करते हैं, जो बिहार से बॉलीवुड में जाकर अपनी अलग पहचान बनाई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा की। तो इनका जन्म 18 जुलाई 1982 के जमशेदपुर में हुआ था और प्रियंका बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पंकज त्रिपाठी की। तो दोस्तों, पंकज त्रिपाठी गोपालगंज के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत साल 2004 में अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला के साथ शुरू की थी। अब इसके बाद बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की, जो पटना के रहने वाले थे। सुशांत एक्टिंग के साथ साथ डांसर भी थे। सुशांत सिंह सबसे पहले बालाजी फिल्म के टीम कास्टिंग में देखे गए थे। इसके बाद उनके करियर की शुरुआत किस देश में है मेरा दिल सीरियल से हुई थी। इसके बाद ये पवित्र रिश्ता और बहुत से शो में भी नजर आए। इन्होंने मूवी में भी काम किया, जो कि इनका फिल्म काफ़ी हिट भी रहा है, हालांकि ये हमारे बीच नहीं है। अगले नंबर पर बात करेंगे नेहा शर्मा की। तो दोस्तों, नेहा शर्मा भागलपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म से की थी। इसके बाद तेरी मेरी कहानी और क्या सुपर कूल है हम में भी नजर आ चुकी हैं। इसके बाद बात करेंगे आर माधवन की, जिनका जन्म 1 जून 1970 में जमशेदपुर में हुआ था। माधवन ने कई साउथ मूवी में काम किया है, जिसके लिए उन्हें साउथ के फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। इसके बाद आते हैं गुरमीत चौधरी, जिनका जन्म भूमिहार परिवार में हुआ था, जो कि भागलपुर के रहने वाले हैं। गुरमीत चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दों से किया था, जिनका पहला टीवी शो रामायण था। इसके बाद आते हैं आलोक नाथ, जिनका जन्म 19 जुलाई 1956 में खगड़िया में हुआ था। इन्होंने हिंदी सिनेमा में हर तरह की भूमिका अदा की है। इसके बाद बात करेंगे श्रीति झा के बारे में। तो श्रीति झा बेगूसराय की रहने वाली हैं, जिन्होंने 2006 में धूम मचाओ धूम सीरियल से टेलीविजन की दुनिया में कदम रखी थी और कुमकुम भाग्य से काफ़ी पॉपुलर भी हुई। इसके बाद बात करेंगे रतन सिंह चौधरी की, जो बिहार की रहने वाली हैं और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सीरियल अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो में की थी, जो कि काफ़ी हिट भी रहा था। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा इन बिहारियों से मिलकर, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।